Hello student, good afternoon. We will do chapter number 8, how do organisms reproduce. As we have read the spore formation and regeneration method in the previous video. In this way, the 5 methods of asexual reproduction are completed. Hope you have understood all 5 methods easily. Today we will read about vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है. प्लांट के किसी भी पार्ट से, चाहे से वो लीफ हो, स्टेम हो या फिर रूट हो, इन्हीं से या इन पार्ट का यूज़ करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करना ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है. फर्स्ट वी विल रीड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई लीफ. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि लीफ के थ्रू हो रहा है. ठीक है, बाय लीफ. लीफ ऑफ ब्रायोफिलम प्लांट हैव नॉच ऑन द मार्जिन. द एडवेंटेजियस बर्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस नॉच. दिस बर्ड डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन. देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि प्लांट, अब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट का कौन सा पार्ट लिया है हमने, तो हमने लिया है लीफ का, कि लीफ से ही एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है. तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है ब्रायोफिलम का. तो देखिए कि जब ब्रायोफिलम की एक लीफ टूटकर जब सॉइल में गिर जाती है और उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है. यहाँ फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि जब प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जितनी भी जरूरी चीज़ें होती है, जैसे कि CO2 हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें प्लांट को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो इन्हें ही कहा जाता है फेवरेबल कंडीशन. तो जो जब इस लीफ को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो ये फिर से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है. देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिया है मैंने कि नॉच. नॉच का मतलब होता है, अगर आप इस लीफ का डायग्राम अच्छे से देख पा रहे हैं तो लीफ है थोड़ी सी कटी हुई है, जो कटा हुआ पार्ट है अंदर की तरफ डीप हो रहा है, तो इस डीप वाले पार्ट को ही कहा जाता है नॉच. जैसे ही ये नॉच वाला पार्ट को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो यहाँ से रूट और बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है. अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जितने नॉच होंगे इस लीफ के अंदर, ठीक है, तो इस मान लो कि यहाँ पर 10 नॉच बन रहे हैं तो 10 ही प्लांट का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा. मतलब एक लीफ से 10 प्लांट, न्यू प्लांट बन जाएंगे.